अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आपने नौशाद भाई की अपडेट, आज की अपडेट क्या है बोले तो जो है सो अपने नौशाद भाई कल के वीडियो में बताया ना, जो है सो पंजाब में अमृतसर जिले में रुके हुए हैं। वहाँ से वाघा बॉर्डर 25 किलोमीटर की दूरी पर है। 29 तारीख के दिन पाकिस्तान एंटर करने वाले हैं अपने नौशाद भाई। कल के वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग ज़रूर कल का वीडियो देखिए, उसमें अपने नौशाद भाई खुद बताए हैं जो है सो 29 तारीख के दिन सुबह 9:30 से 10 बजे के अंदर वहाँ पर जो है सो वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान एंटर करने वाले हैं। और अपने नौशाद भाई ये भी बता दिए कि पाकिस्तान के बाद ईरान, इराक, ऐसा कुवैत ऐसा नहीं जा रहे, क्योंकि अपने शेब भाई वैसा कहते हैं। अभी कुछ वहाँ पर ईरान इराक का क्या है कि मसला अपने नौशाद भाई तो बताए कि वीज़ा है मगर उधर कुछ पे इश्यू चल रहा बोलकर नहीं जा रहा हूँ, इधर से किधर से ओमान, दुबई, सऊदी ऐसा जा रहा हूँ बोलकर अपने नौशाद भाई खुद बताए हैं। नौशाद भाई के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए, और उसके साथ ही साथ ज़्यादा अभी दुआ की सख्त ज़रूरत है बोले तो फ़लस्तीन के आवाम के लिए अपनी ज़रूरत है। अपन वहाँ पर जाके तो जंग नहीं लड़ सकते ना भाई, अपन क्या कर सकते हैं, घर बैठे दुआ कर सकते हैं। दुआ ज़रूर करिए फ़लस्तीन के लिए। फ़लस्तीन में मासूम बच्चों को मार दिया जा रहा है, 5000 से ज़्यादा लोगों छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया गया है, 15000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हालात में हैं। अभी वहाँ पर खाने को खाना भी नहीं है, ना करंट है, ना पानी है, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। आप लोग जो भी अभी इंस्टाग्राम यूज़ करते ना, इंस्टाग्राम डोनेशन करने का लगा रहे हैं, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वेबसाइट पर आप लोग देख के जो है सो ट्रस्ट करके, यानी कि जो भी ट्रस्ट दिख रहा आप लोगों को वो बंदा तो उसके ऊपर आप लोग डोनेट कर सकते हैं। नहीं बोला तो मेरे को एक पेज मालूम है, मक्का मदीना बोलकर एक पेज है, उस पर बहुत सारे लोग भी डोनेट कर रहे हैं। जाके आप लोगों भी आप लोगों से जितना हो सके उतना, 5 रुपये, 10 रुपये, 50, 100, 500, 1000 आप लोगों से कितना हो सके उतना डोनेट करिए, क्योंकि वहाँ के हालात एकदम ख़राब है। कल के वीडियोस तो आप लोग देखेंगे तो रो लेते, वैसे वीडियोस आए हैं जो है सो फ़लस्तीन से। आप लोग ट्विटर यूज़ करते तो आप लोग जाइए ट्विटर पर #फ़लस्तीन बोलकर लिखिए, वहाँ पर ट्रेंड करिए, जो है सो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाइए, हम आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और जो है सो इज़राइल के जो भी प्रोडक्ट्स है उसको बाइकाट करिए। इस सारी की चीज़ें आप लोग करेंगे तो जल्द से जल्द वहाँ के हालात ठीक होते हैं, और वहाँ के हालात भी ठीक होना बोलकर ज़्यादा से ज़्यादा अपन नमाज़ पढ़कर दुआ करना ज़रूरी है इस वक्त। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को जो है सो अपने नौशाद भाई की भी अपडेट बताया हूँ, और फ़लस्तीन के लिए भी दुआ करने के लिए बताया हूँ। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक कि अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।